अच्छा पीछे मनोज जी संजय में बैठे हैं, आवाज आ रही है मैम? मैं चेक कर रहा था कि मेरी आवाज गोवा में भी वैसी है जैसी पंजाब में होती है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा कैसा लग रहा है? जबरदस्त। आवाज और तालियों से लग रहा है कि तबीयत आज कल से अच्छी है। बड़े बहुत बहुत दूर से, दो दो तीन तीन दिन से सफर में थे, बहुत थक के आए थे। और कल जिसको भी मैं देख रहा था, हालांकि मैं भी लेट पहुंचा था, मेरी भी फ्लाइट किसी वजह से लेट थी। बहुत सारी गलतियां आप भी देखते होंगे, हर जगह गलतियां होती हैं, आप भी देखते होंगे। मैं कल एक ऐसी फ्लाइट में था जहाँ पे एक एक सीट दो दो लोगों को दे दी गई थी। एक घंटा 20 मिनट की देरी से हम दिल्ली से निकले, बाद में पता लगा क्यों लेट थी। तो कैप्टन जो पायलट थे जहाज के, उन्होंने अनाउंस किया कि जी एक सॉफ्टवेयर में गलती होगी, हमने एक एक सीट पे ना दो दो लोगों को नंबर दे दिया। तो जितनी फ्लाइट में सीट थी उसके डबल लोग आ गए। अब किसको लेके जाए किसको नहीं लेके जाए, ये फैसला कैसे करें? तो मैंने पूछा फिर ये फैसला आपने कैसे किया? तो उनके एक सिक्योरिटी क्रू पर्सन ने बताया कि हमने फैसला ऐसे किया कि हमने ये देखा कि इनमें से वास्तव में पहले जाना कौन चाहते हैं। तो स्वागत है आपका ये गोवा का। गोवा का पहला ट्रिप है और कंपनी ने भी ये देखा कि यहाँ पहले आना कौन चाहता है। जो लोग पहले आना चाहते थे वो गोवा आ चुके हैं। लेकिन एक गड़बड़ है, बहुत सारी चीजों के कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पदचिन्ह बनाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनको फॉलो करते हुए कामयाब हो जाते हैं। अब इन दोनों चीजों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। आप में से जो दोस्त यहाँ, आपको गोवा का माहौल बड़ा चार्म फुल, क्या बीच है, क्या हवा है, क्या पेड़ पौधे हैं, क्या ग्रीनरी है, अच्छा डिनर ब्रेकफास्ट अच्छे से हुआ? यस। ठीक ठाक था? यस। कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन मैं बताऊं मैं नहीं हूँ। कम से कम बाकी सारी चीजों से आज रात को जब हम इस होटल में आएंगे तो मेरा मानना मोर देन सेटिस्फाइड हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सीरियस तौर की आज से पहले ट्रिप्स की अगर बात करें, दो चार दस नहीं वो दर्जनों ट्रिप पहले हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दर्जनों बार ही जा चुके हैं। यस। लेकिन मैं कम से कम, हम लोगों का एक ना बहुत पुराना सा, मैं समझे जी करीब करीब 25 साल से हम लोग साथ हैं, और हम लोगों ने 25 साल पहले जब साथ हुए थे तो वो साथ होने का भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर था। वो भी किसी ऐसे आदमी की तलाश में थे जो सेटिस्फाइड ना हो, और मैं भी किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जो सेटिस्फाइड ना हो। तो जब हम दोनों मिले थे तो हमने देखा यार ये बंदा भी सेटिस्फाइड नहीं और मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर हम दोनों मिल जाए तो हम कुछ ऐसा इन्वेंशन ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड होते ही नहीं। तो हम लोग गोवा का ये पहला ट्रिप है, इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आने वाले पे सेटिस्फाइड होने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिफिकेशन बना के रखना, अच्छा होने वाला है इससे। कंपनी का नाम आप जब देखते हैं सीजे स्टोर वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है जिसको टैग लाइन बोलते हैं। क्या लिखा है? अचीविंग एक्सेलेंस टुगेदर। पहली बारी में कुछ भी अच्छा नहीं। किसी की भी जिंदगी में आप पहली बारी कुछ भी ट्राई करोगे, कुछ भी पहली बारी ट्राई करोगे अच्छा नहीं होता है, फिर उसका आप सुधार करने की कोशिश करें। अभी मनोज जी आए, उन्होंने बोला है कि एंड्रॉइड फोन भी 10-20-50 हज़ार रुपए का लिया, उसमें भी अपडेट चलता रहता है, हम अपने आप को अपडेट करें। तो कंपनी का टैगलाइन लिखा हुआ है अचीविंग एक्सेलेंस टुगेदर। हमने जो पहला ट्रिप मनाली में किया तो ऐसा नहीं था जैसा दूसरा तीसरा और पांचवा होगा। जब पहला जिम कॉर्पोरेट में किया तो पहला ऐसा नहीं था, उसके बाद जो किए गोवा में भी दोस्त पहला जो हुआ है ऐसा नहीं होगा, आगे जो होगा वो कुछ और ही होगा। ऑर्गेनाइजर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस ही हमारी उन एक्सपेक्टेशंस पे, हमने उनको कल से भी आप में से काफी दोस्त साथ भी थे बता दिया कि हमारा जो है ना सीजे स्टोर का वैल्यू ब्रांड कुछ और है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये अलग बात है कि आगे कुछ कोशिश करोगे सेटिस्फाई होने वाले, फिर भी नहीं है क्योंकि हम तो हमेशा अपडेटेड वर्जन की तलाश में हैं। देखिए क्या है, लास्ट ईयर जैसे यहाँ भी नवनीत जी ने भी बताया, पिछले साल हमने करीब करीब 225% ग्रो किया अपने बिजनेस को। हर सेगमेंट, 5-6 सेगमेंट होते हैं कंपनी है, इमीडिएट ये बोलते हैं जिसको आप कैसे कुछ लोग अकाउंट करते हैं, 5-6 सेगमेंट होते हैं,
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ पैकिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ एसोसिएट्स, टर्नओवर पूरा असेट्स कंपनी के कहां कहां गया, कितना एक्सपेंशन है, सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं। तब वो रिवार्ड मिला था कंपनी को 2020 में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लीजेंड अवार्ड मिला था। आपको जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर 225% ग्रो किया था तो वो अवार्ड मिला था। वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को, हम अप्रैल से फिर काम करना शुरू किया, और जब अप्रैल से काम करना शुरू किया तो अभी तो अक्टूबर ही आया है, दिवाली का अभी बाकी है ना। यस, आपको सूचना दे दूं 225% को क्रॉस कर चुके हैं दिवाली का। सिमुलेटेड मतलब हम लोग इस साल अगर 350 करेंगे तो अगले साल 350 नहीं करेंगे, अगले साल 400% ग्रो करेंगे। क्यों? हम सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शांति सबसे बड़ा धन है, उनको मुबारक, उनके घर में परमात्मा 5-4 शांति भेज दे। अपने को कोई टेंशन नहीं, अपने को शांति नहीं, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, अपग्रेड करेंगे और अच्छा करेंगे। जो लोग रेस में बने रहेंगे वही हमारे साथ आ पाएंगे। और जिनको अभी नहीं जल्दी है, जिनको जल्दी थी वो चले गए, एक ट्रक के पीछे लिख भी रखा था मैंने पढ़ा था, जिन्हें जल्दी है चले गए। सिटी रोड में एक ट्रक जा रहा था उसके पीछे लिखा हुआ था जिनको जल्दी थी वो चले गए, उसके पीछे पीछे एक और ट्रक था उसके पीछे लिखा था सही धनु प्रणाम। आप सारे समझदार है, समझ सकते हैं, जिनको जल्दी होती है वो जल्दी से निपट जाते हैं, और बाकी लोग अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर साथ रहते हैं ग्रोथ में और उस ग्रोथ का मजा लेते हैं। आपके बहुत सारे डायमंड और एम्परर भी यहाँ पे आए, उन्होंने ग्रोथ का मजा लिया जब 5 प्रोडक्ट है कंपनी के, 5 स्ट्रोक पॉइंट है पूरे इंडिया में, तब शुरू किया, आज वो डायमंड है, एम्परर है। आप लोग आज है 225 सर्विस पॉइंट, 300 मोबाइल पॉइंट, 18 स्टेट्स में कंपनी की मौजूदगी और आपके ढेर सारे लीडर्स। आने वाले समय में आपको जब ये सुनने को मिलेगा ना, आज के 5 साल के बाद कि किसी चार्टर्ड प्लेन में सवार हो गए, 5 जो है वो इंडिया से एम्परर निकले हैं, वो यूएस में अपना बिजनेस बनाएंगे, अमेरिका में सीधे स्टोर का परचम फहराएंगे, उस रेस तक के लिए आपको रेडी रहना।